स्मार्टफोन में ज्यादा मेगापिक्सल होने से क्या कैमरा अच्छा होता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक सीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर मोबाइल कंपनी के द्वारा जब भी कोई नया हैंडसेट लॉन्च किया जाता है तो उसके फीचर्स में एक चीज हाईलाइट किया जाता है, वो है मेगापिक्सल। तो इस सिचुएशन में एक कंफ्यूजन ये पैदा होता है कि ज्यादा मेगापिक्सल होने से क्या कैमरा क्वालिटी अच्छा होता है। तो ये जो सवाल है इसका जवाब अगर हमें जानना है तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि मेगापिक्सल है क्या। मेगापिक्सल का मतलब है रिजोल्यूशन। सपोज कोई इमेज का अगर साइज है 4000x2000 तो मतलब है कि 8 मिलियन पिक्सल, जिसका मतलब है 8 मेगापिक्सल। वैसे ही अगर और एक एग्जांपल दूं तो सपोज कोई इमेज का साइज है 8000x6000, मतलब 48 मिलियन पिक्सल, जिसका मतलब है 48 मेगापिक्सल। मतलब जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा उतना अच्छा आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। अब ये रिजोल्यूशन क्या मायने रखता है एक इमेज के लिए? जितना ज्यादा रिजोल्यूशन मिलेगा आपको उतना अच्छा आप डिटेल में इमेज को पाएंगे, अगर आप उस इमेज को जूम करते हैं तो। मतलब सपोज आप किसी भी इमेज को जूम करते हैं, उसके बाद उसको क्रॉप करेंगे, उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे, तो उस टाइम पे जो इमेज का जो क्वालिटी है वो बरकरार रहेगा। लेकिन ज्यादा रिजोल्यूशन से क्या इमेज का जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है? जवाब होगा नहीं। बेटर इमेज क्वालिटी के लिए रिजोल्यूशन के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कैमरा कौन कौन सा कलर को प्रोड्यूस कर पा रहा है इमेज पे, इसके अलावा डायनामिक रेंज कितना अच्छा है, लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है, नॉइस कंट्रोल कैसा है लो लाइट पे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके इमेज क्वालिटी अच्छा होता है। ये सब फैक्टर्स के अलावा और एक चीज इंपॉर्टेंट रोल लेता है बेटर इमेज क्वालिटी के लिए, वो है इमेज प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर। जब आप कोई भी इमेज को कैप्चर करते हैं अपने कैमरा से तब ये इमेज प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ये इमेज बनता है। जब कभी भी आप परचेस करने जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि मेगापिक्सल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह है जिसके द्वारा एक बेटर इमेज क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो इतनी सी थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना। इस वीडियो के संबंधित किसी भी सुझाव हो या फिर इस चैनल के संबंधित किसी भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी दबा देना, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो लाऊं ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सबको अच्छे रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।